क्या विलियमसन दिलाएंगे लगातार तीसरी जीत? जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। वर्ल्ड कप 2023 के 11वें मुकाबले में न्यूजीलैंड की टक्कर आज बांग्लादेश से होगी। आपको बता दें, ये मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने अब तक खेले दोनों मैचों में जीत हासिल की है। वहीं अगर बात की जाए पॉइंट्स टेबल में, केवी टीम दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड को हराया था, जबकि दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को करारी शिकस्त दी थी। वहीं बांग्लादेश ने दो मैच खेले हैं, इसमें अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी, जबकि इंग्लैंड ने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को हराया था। बात की जाए अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के लिए अच्छी बात यह है कि उसे तीसरा मैच चेन्नई में खेलना है। जी हां, जहां का विकेट स्पिन गेंदबाजों का मददगार है, यानी कि बांग्लादेश के पास कंडीशंस का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए स्पिन गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात यह है कि इस मैच में टीम के रेगुलर कप्तान केन विलियमसन की वापसी होगी। वो चोट से उबरने के 7 महीने बाद मैदान पर नजर आएंगे। अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि अगर केन विलियमसन 7 महीने बाद टीम में वापसी करते हैं, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में वापसी करते हैं, तो वो न्यूजीलैंड के लिए कितना कारगर साबित होंगे। आप सबको याद होगा कि 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन कितनी बेहतरीन पारी खेले थे, जिसके चलते उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। न्यूजीलैंड के लिए इस वर्ल्ड कप में अलग अलग खिलाड़ी मैच विनर साबित हो रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ डेवन कॉनवे और रचिन रवीन ने शतक मारा था। टॉम लाथम और विलियम ने नीदरलैंड के खिलाफ अहम पारियां खेली थी। ईसा सोडी भी बांग्लादेश के खिलाफ खेल सकते हैं, क्योंकि चेन्नई के जो पिच है वो स्पिन को काफी मददगार साबित होती है, यानी कि चेन्नई की पिच पर स्पिनरों का बोल बाला रहता है। बांग्लादेश को लिटिन दास और साकिब अल हसन जैसे खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद होगी। लिटिन ने इंग्लैंड के खिलाफ 76 रनों की पारी खेली थी। अगर बात की जाए बांग्लादेश की ताकत, तो बांग्लादेश की ताकत जो है वो स्पिन गेंदबाजी है। साकिब अल हसन और मेहदी हसन ने विश्व कप में 4-4 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड को दो बैटर शतक ठोक चुके हैं, यानी कि जो दो बैट्समैन उनके हैं डेवन कॉनवे और रचिन रवीन, दोनों इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और दोनों ने 1-1 शतक लगाया। वहीं अगर बात की जाए इस विश्व कप में शतक ठोक चुके हैं डेवन कॉनवे और रचिन रवीन। इंग्लैंड के खिलाफ शतक की पारी खेली दोनों ने और नाबाद लौटे थे। दोनों टीमों का स्पिन गेंदबाजी पर जोर होगा, बिल्कुल जोर होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि चेन्नई के पिच हमेशा से स्पिनर के लिए मददगार रहती है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मुकाबला चेन्नई में खेला जाना है, जहां विकेट स्पिन गेंदबाजों का मदद करता है। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मैच में अतिरिक्त स्पिनर के साथ उतर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां हुए मैच में 6 विकेट भारतीय स्पिनरों के थे, यानी कि आप साफ तौर से देख सकते हैं जब पहला मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता है, उस मुकाबले में जिस तरीके से अश्विनी, कुलदीप यादव और खास करके रविंद्र जडेजा ने जो बॉलिंग की थी, उससे सबको यह पता चल गया कि जो कहा जाता है कि यानी कि जो एम ए चिदंबरम स्टेडियम है उस पर कहीं ना कहीं स्पिन कारगर साबित होते हैं। विलियमसन किसके स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम में आएंगे, अपने आप में यह भी एक बड़ी पहली है। वहीं अगर बात की जाए ग्लेन फिलिप्स या मार्क चैंपियन, ग्लेन फिलिप्स की जगह इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि ग्लेन फिलिप्स जिस नंबर पर खेलने आते हैं अभी तक दोनों मैचों में उनका नंबर लगा नहीं। मार्क चैंपियन एक अच्छे बॉलर भी हैं और तेज तर्रार पारी भी खेलते हैं, तो ऐसे में ग्लेन फिलिप्स या मार्क चैपमैन को बाहर जाना पड़ सकता है, उनके स्थान पर केन विलियमसन खेल सकते हैं। वहीं अगर बात करें, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को उसके घर में हराया था। न्यूजीलैंड ने विश्व कप में पहले बांग्लादेश को उसके घर में वनडे सीरीज में 2-0 हराया था, यानी कि न्यूजीलैंड का पलड़ा बांग्लादेश के खिलाफ भारी नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले 5 मैचों में जीत अर्जित की है। बिल्कुल सही सुना आपने, जिस तरीके से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला होगा, यानी कि वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों 5 बार का आमना सामना हुआ दोनों टीमों का, दोनों बार यानी कि 5ों बार न्यूजीलैंड की टीम ने बाजी मारी है। जिस तरीके से इस समय न्यूजीलैंड की टीम फॉर्म में चल रही है, डेविन कॉनवे, रचिन रवींद्र, टॉम लाथम, विलियम, अब तो उनके टीम में उनके प्रॉपर कप्तान केन विलियमसन की वापसी हो चुकी है, यानी कि मिस्टर कंसिस्टेंट केन विलियमसन, तो आज इस मैच में वो कितने कारगर साबित होते हैं। जिस तरीके से चेन्नई की पिच खेलती है, स्पिन को वो मददगार साबित होती है, तो ऐसी पिच पर साकिब अल हसन जो बांग्लादेश के कप्तान है वो कितने कारगर साबित होंगे या कितनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं,
हम बात करें मेहदी हसन की, वो कितनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं, हम बात करें लिटन दास की कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, या मुश्फिर रहीम कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, ये सब कुछ आपको बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि 2 बजे से ये मैच शुरू होने वाला है। और वाकई में जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें कुछ अनचाहे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। जिस तरीके से कल साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 177 रनों पर ऑल आउट कर दिया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यानी कि जिस तरीके से कल ऑस्ट्रेलियाई टीम 134 रनों से उसको मात मिली साउथ अफ्रीका के सामने, वो सबसे बड़ी उसकी हार रही वर्ल्ड कप में। बहुत सारे रिकॉर्ड बने, यानी कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 7 शतक लगाए वर्ल्ड कप में, 2015 में 1 शतक आया, 2019 में 5 शतक, और वहीं अगर बात की जाए 2023 में भी शुरुआत हो गई है, 1 शतक इसमें भी आ गया है। यानी कि जो रोहित शर्मा है उनके भी नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ, सबसे तेज वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारने का उनके नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ। तो आज भी कोशिश यही रहेगी दोनों टीमों की, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड अपने नाम करें। वैसे पहला रिकॉर्ड तो न्यूजीलैंड के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि हुए पिछले 5 मुकाबले वर्ल्ड कप में, यानी कि कभी बांग्लादेश से वो टीम हारी नहीं है, 5 बार उन्होंने बांग्लादेश को पराजित किया है। फिलहाल पूरी वर्ल्ड कप के पल पल अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।